ओके सुवाइज कैसे हुए व्हाट्सएप बिल्कुल आज की वीडियो में सिखाने वाला वाटर ड्रॉप स्टेटस वीडियो एडिटिंग। अगर आप इस तरीके अपनी खुद की फोटो की या किसी की फोटो की स्टेटस वीडियो बनाओगे ना आपकी वीडियो अमेजिंग यार क्लासिक लगने वाले। उससे पहले गाइज अभी तक आपने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और घंटी को ऑल पर प्रेस कर देना। और अभी तक आपने यार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो गाइज फॉलो कर दीजिए। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज होगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, वीडियो एडिट करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। फर्स्ट एप्लीकेशन VN एप्लीकेशन। सो मैं VN एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन के यहाँ पे नॉर्मल सेंटर फेस आपने इस प्लस आइकन पे क्लिक कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं और यहाँ पे गाइज आपके वीडियो शो करेंगे। सेकंड में एक ऑप्शन शो करा फोटो, क्लिक कर लेना है और गाइज यहाँ से आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। सो यहाँ से मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइज मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली और जो फ़ोटो है इसकी लेंथ गाइज यहाँ पे अभी कितनी है, यहाँ पे गाइज इसकी लेंथ है अभी यहाँ पे 3 सेकंड है, तो इसकी लेंथ लंबी करनी है। फ़ोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है और आपने इस तरीके से फ़ोटो की लेंथ लंबी कर लेनी है। ओके सो गाइज यहाँ पे लेंथ हो चुकी है 8 सेकंड के। ओके और लास्ट में ब्लैक शो करे से डिलीट कर लेना है। डिलीट हो चुका। अगर आप इसमें 2-3 फोटो ऐड करने चाहते हो, ठीक है, 2-3 फोटो भी ऐड कर सकते हो, तो मैं इसमें एक ही फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। और अब करने क्या, जो फ़ोटो है इसका साइज़ सेट करना है। तो इस फोटो का साइज़ सेट करने के लिए ऊपर एक ऑप्शन मिलता है इस समय साइज़ का आइकन, इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ फ्रेम शो कर रहे हैं, तो हमने 9.16 इस फ्रेम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते हैं और आपको स्क्रीन पर टच कर लेना है क्योंकि, और अब इसमें एक ब्लैक इमेज ऐड कर रही है, शैडो ऐड कर रही है, तो ऐड कर लेते हैं। साइड में कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, म्यूजिक का आइकन, टैक्स का आइकन, जो थर्ड नंबर पर ऑप्शन शो कर रहा है गैलरी का आइकन क्लिक कर लेना है और वीडियो एंड फोटो पर क्लिक करना है। दो ऑप्शन शो कर रहे हैं वीडियो एंड फोटो, आपको फोटो वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से गाइज आपने उस PNG को सेलेक्ट कर लेना है जो आपने डाउनलोड कर रखा है। ओके गाइज PNG आ चुकी है। जो PNG है इसका साइज आपको बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है गाइज। देख लीजिए नीचे से हल्का ब्लैक आ चुका है और जो PNG वाले लेयर है इसकी लेंथ आपको लंबी कर लेनी, इस तरीके से खींच कर लंबी कर लेनी है। ठीक है, सो लेंथ लंबी हो चुकी है और अब इसमें लिरिक्स ऐड करना है। तो लिरिक्स ऐड कर लेते हैं, आपने इस गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो पर क्लिक करना है, आपने जो लिरिक्स वीडियो डाउनलोड कर रखी है उसे सेलेक्ट करना है। तो मैं वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, वीडियो आ चुकी है और नीचे कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं। एक ऑप्शन शो कर रहा है गाइज यहाँ पे ब्लेंडिंग, आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक कर लेना है। सो यहाँ पे गाइज मैं ब्लेंडिंग पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं। सो यहाँ से गाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो लाइटिंग या आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो स्क्रीन। सो यहाँ से गाइज मैं स्क्रीन सेलेक्ट करता हूँ, टिक पे क्लिक करना है और जो लिरिक्स वीडियो, ठीक है, इसका साइज आपको बड़ा करना है इस तरीके से और यहाँ पे नीचे सेट कर लेना है। ओके सो गाइज मैंने यहाँ पे सेट कर लिया और गाइज देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिरिक्स वीडियो सेट कर लिया। आपने इस तरीके से सेट करना है। और इसमें गाइज एक प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप लिरिक्स वीडियो ऐड करते हो जो लिरिक्स वीडियो में साउंड गाइज यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा, बंद हो रहा है, तो साउंड ऐड करने के लिए यहाँ पे एक म्यूजिक का आइकन शो कर, इस पर क्लिक करना है, म्यूजिक पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर कुछ साउंड शो कर रहा है, आपने इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर लेना है और कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, एक ऑप्शन शो कर रहा है एडजस्ट फ्रॉम वीडियो, क्लिक कर लेना है और आपने जो साउंड वीडियो बाहर सेलेक्ट कर रहे थे लिरिक्स वीडियो, ठीक है, उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक कर लेना है और गाइज देख लीजिए फर्स्ट में साउंड आ चुका है। आपने चूज पे क्लिक कर लेना है और टिक पे क्लिक करना है। गाइज देख लीजिए वीडियो में साउंड ऐड हो चुका है और लिरिक्स वीडियो भी ऐड हो चुके हैं। और आप वीडियो में वाटर ड्रॉप ऐड करना है, ठीक है, तो वाटर ड्रॉप ऐड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का, ठीक है, आपने डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को। और अगर आप इसमें कोई और लिरिक्स ऐड करना चाहते हो तो गाइस अपने YouTube पर सर्च कर लेना है ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स वीडियो, ठीक है, बहुत सारी इस तरह की लिरिक्स वीडियो आ जाएंगी, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, जो भी आपको सॉन्ग चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से डाउनलोड कर लेनी है। सो यहाँ पर गाइस मैंने इस लिरिक्स वीडियो को ऐड कर रखा है, तो इस वीडियो को सेव कर लेते हैं। वीडियो सेव करने के लिए ऊपर एक ऑप्शन मिलता है गाइज हमें एक्सपोर्टिंग, क्लिक कर लेना है और यहाँ पे गाइज वीडियो सेव होना स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो सेव होने के बाद गाइज आपको नोट वीडियो जो एप्लीकेशन है उसे ओपन करनी है, ठीक है। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन के यहाँ पे नॉर्मल सेंटर फेस है और यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और एक ऑप्शन से हो गया गाइज अपने न्यू, ठीक है, आपको न्यू पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद
साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा है रेस्क्यू, क्लिक कर लेना है। और यहाँ से गाइज आपको 9.16 इस रेस्क्यू को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है, मीडिया पे क्लिक करना है, वीडियो पे क्लिक करना है, क्लिक कर दें। और यहाँ पर गाइज आपकी गैलरी ओपन हो जाएंगे, वीडियो शो करेंगे, ठीक है, जो हमने अभी VN एप्लीकेशन से वीडियो सेव करती उसे सेलेक्ट करना है। तो मैं वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और लोडिंग हो चुका है और यहाँ पर हमारी वीडियो आ चुकी है। और यहाँ पर गाइज एक ऑप्शन से वगैरह प्लस का आइकन क्लिक कर लेना है। गाइज यहाँ पर कुछ ऑप्शन से वगैरह ब्लेंडिंग इफेक्ट मास्क का टाइम, ठीक है, और जो टाइम के नीचे ऑप्शन से वगैरह स्टोर वाला, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ इफेक्ट शो कर रहा है, आपको मूव कर लेना है। मूव करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पर, मतलब इफेक्ट रेन ड्रॉप, आपको क्लिक करना है रेन ड्रॉप पे, क्लिक कर दें। और गाइज देख लीजिए ब्लर हो चुका है, जो हमारी वीडियो थी पूरी ब्लर हो चुकी है। तो एक ऑप्शन से वगैरह ब्लर, ठीक है, आपने टच करना ब्लर पे और आपने इस तरीके से माइनस कर लेना है इसे, ठीक है। सो गाइज देख लीजिए माइनस हो चुका है। और जो नीचे वाला ऑप्शन है टच करना है और आपने इस तरीके से नीचे को मूव कर लेना है। और ये भी गाइज मैंने यहाँ पे 5 कर लिया। गाइज देख लीजिए वीडियो में रेन ड्रॉप हो चुका है, वीडियो यार अमेजिंग लग रही है। और अब इस वीडियो को सेव कर रहे हैं। वीडियो सेव करने के लिए साइड में एक ऑप्शन से वगैरह इस पर क्लिक करना है डाउनलोड वाले आइकन पे, और इस जो ग्रीन वाला आइकन है इस पर क्लिक कर लेना है। गाइज देख लीजिए वीडियो सेव होना स्टार्ट हो चुकी है, आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है।